आएगा तो और इसमें सेक्टर रोड्स भी हैं, अंदर की सड़कों का भी लेआउट है, उसमें कई मकान ऐसे हैं जो इन सड़कों के दायरे में आ रहे हैं और उन सैकड़ों मकानों को अब तोड़ने का काम किया जाएगा और इसी को लेकर लोगों में गुस्सा भी है और चिंता भी। 26 साल बाद पृथ्वीराज नगर के नियामन की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन इसके लिए जेडीए ने जो तैयारी की है उसमें सैकड़ों घरों की तबाही की इबारत लिखी जा चुकी है। अब उन सैकड़ों लोगों के चेहरे की मुस्कान छिन गई है जिनके आशयने पर जेडीए की कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। कल के अखबार में ऐसी आई है कि 70 मकानों के ऊपर तलवार लटकाई है, 70 मकान हुए जिसके पास में बराबर नहीं 40 फुट की रोड पड़ी है, उस 40 फुट की रोड को नहीं निकाल के मकानों के ऊपर रोड निकालने के प्रस्ताव दिया है। पृथ्वीराज नगर और जगदम्बा नगर के लोगों ने अपना आशियाना बचाने के लिए न जाने कहां कहां गुहार लगाई। यूडीएच मंत्री ने खुद पहल की, यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और राष्ट्रपति के दफ्तर से भी सिफारिशें खत आए, लेकिन जेडीए ने वही किया जो वो चाहता था। जेडीए के मौजूदा प्लान के मुताबिक कारवार रोड पर 12 मकान को जमींदोज करना पड़ेगा, वहीं जगदम्बा नगर में 70 मकानों पर असर पड़ेगा। 24/8/15 को कि भाई किसी को कोई आपत्ति हो तो दर्ज कराए सेक्टर रोड के बारे में। हमने जो है 2 तारीख 9वें महीने में ही 5 दिन बाद ही जो है रिपोर्ट जो है पहुंचा दी थी, जिसकी ये कॉपी हमारे पास है, ये लेटर है, उसकी पूरी रिसिप्ट वगैरह है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं करते हुए आज तक जो है हम कितनी बार जाए वहाँ। हालांकि जेडीए इसे रेगुलर प्रोसेस बता रहा है और बीबीसी की मीटिंग में इस पर फैसला लेने की बात कह रहा। अप्रूवल या बाद में इस तरह की बातें आती हैं तो उस समय लोगों को जागरूकता होती है कि ये सेक्टर रोड कहाँ से कहाँ जा रही है, कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। बीबीसी एलपी की बैठक में कुछ सड़कों पर हम लोग जो मांग प्राप्त होती है उन पर विचार करते हैं और उसमें जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत लोगों का ऑब्जेक्शन इन्वाइट करते हैं। ऑब्जेक्शन इन्वाइट होने के बाद जो भी उसमें मेरिट होती है उसके बेसिस पर हम बीबीसी एलपी में मुलाकात होती है। तो ये सामान्य और सतत प्रक्रिया जो चलती रही थी और चलती रहेगी। पृथ्वीराज नगर और जगदम्बा नगर के लोग इसे प्रेशर टैक्टिक्स बता रहे हैं, उन्हें जेडीए के अधिकारियों की नियत पर शक है। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर।